हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप घर पर ही बेसन और हल्दी से साबुन रेडी कर सकते हैं जो कि हमारी स्किन को लाइटन करेगा और साथ ही साथ एक बहुत अच्छा ग्लो भी हमारे फेस पे आएगा। तो इसे बनाने के लिए आप इस तरह का कोई भी खाली कंटेनर ले लीजिए और उसके अंदर हम लेंगे बेसन। आप चाहें तो कोई स्टील का कटोरा भी ले सकते हैं। बेसन मैं ले रही हूँ 1 चम्मच। अब इसमें मैं हल्दी डालूँगी, बिल्कुल थोड़ी सी, यानी कि 1 चुटकी हल्दी हम ले लेंगे। हल्दी का इस्तेमाल हम ज़्यादा नहीं करेंगे, थोड़ा सा ही हल्दी हम इसमें मिक्स कर लेंगे। अब हम यहाँ पर ले रहे हैं एलोवेरा का लीफ। एलोवेरा का एक छोटा सा लीफ मैंने लिया है, लेकिन इसे यूज़ करने से पहले हम इसके अंदर एक बहुत ही डेंजरस लिक्विड होता है येलो कलर का, उसे निकालने के लिए इसे हम कप में इस तरह से रख देंगे। 5 मिनट इसे इसी तरह छोड़ देना है। उसके बाद आप देखेंगे इसमें पीले रंग का एक लिक्विड निकल जाएगा। ये हमारी स्किन के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। अब ये लिक्विड निकल चुका है तो हम लीफ को अच्छे से चारों तरफ से कट कर लेंगे। पहले मैं साइड से कट कर रही हूँ, इसके कांटे वगैरह निकाल देंगे और फिर इसे ऊपर से इसकी स्किन निकाल देंगे। इसके बाद जो अंदर इसका वाइट कलर का पल्प रहता है उस पर चाकू से आप इस तरह से कट्स लगा लीजिए और किसी भी चम्मच की मदद से अब आप आसानी से इसका पल्प निकाल सकते हैं। हमें सिर्फ पल्प का ही यूज़ करना है। अब हम इसे किसी मिक्सर जार में डालेंगे और अच्छे से इसका एक पेस्ट बनाकर रेडी करेंगे। हमें जो हरा जो पत्ता है वो यूज़ नहीं करना है, सिर्फ इसका वाइट पोर्शन लेना है। अब मैंने इसे पीस लिया है और इसे ड्राई इंग्रेडिएंट्स में मिक्स कर लेंगे। एलोवेरा हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। ये एक तो स्किन में मॉइस्चर लाता है और साथ ही साथ कोई भी दाग धब्बे हैं तो वो भी मिटा देता है। अब मैं सोप को रेडी करने के लिए इस तरह का प्लास्टिक कंटेनर ले रही हूँ। अगर आपके पास कंटेनर नहीं है तो आप इस तरह का प्लास्टिक का ग्लास आता है वो भी यूज़ कर सकते हैं। अब सोप को बनाने के लिए हम सबसे पहले कंटेनर को ग्रीस कर लेंगे। मैं यहाँ पर वैसलीन यूज़ कर रही हूँ इसे ग्रीस करने के लिए, ताकि जब सोप रेडी हो जाए तो आसानी से इस कंटेनर से निकल जाए। अगर आपके पास वैसलीन नहीं है तो आप इसकी जगह पर कोकोनट ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। आज मैं सोप बनाने वाली हूँ पियर सोप से, क्योंकि पियर सोप 98% ग्लिसरिन होता है। वैसे भी सोप बनाने के लिए हमें सोप बेस की ज़रूरत होती है, तो मेरे पास वो नहीं था इसलिए मैं पियर सोप यूज़ कर रही हूँ। अगर आप सोप बेस से बनाना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन भी इसे ऑर्डर कर सकते हैं। मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो यहाँ पर मैं आधा पियर सोप अच्छे से ग्रेट कर रही हूँ। ग्रेट करने के बाद इसे हम कंटेनर में बाकी के इंग्रेडिएंट के साथ अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसे एक साइड रख देंगे और यहाँ पर मैंने एक बाउल ले लिया है, उसमें पानी रख दिया है। हम डबल बॉयलर मेथड से हमारा जो सोप हम रेडी कर रहे हैं उसे अच्छे से इसमें पकाएंगे, जब तक कि ये लिक्विड फॉर्म में नहीं आ जाता। तो नीचे मैंने कंटेनर में पानी बिल्कुल थोड़ा लिया है और इसे गैस पर मीडियम आंच पे रख दिया है। हम हाई फ्लेम पर इसे नहीं रखेंगे। अब आप देख सकते हैं जो हमारा सोप था वो बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में आ चुका है और इसके अंदर सारे इंग्रेडिएंट्स अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। आप चम्मच की मदद से अगर इसमें कोई लम्स है तो उसे हटा सकते हैं। अब हम गैस को ऑफ कर देंगे और इसे हम नीचे उतार लेंगे। नीचे उतारने के बाद हम हमारा कंटेनर ले लेंगे जिसमें हमें सोप रेडी करना है और उसमें इस लिक्विड को डाल देंगे। आप देख सकते हैं लिक्विड बहुत अच्छे से आपस में मिक्स हो गया है, सारी चीज़ें बहुत अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं। अब इसे हम इस कंटेनर में डाल देंगे। कंटेनर में डालने के बाद हम इसे फ्रिज में सेट होने के लिए भी रख सकते हैं। कम से कम 2 घंटे लगेंगे। अगर आप बाहर ही काउंटर टॉप पे छोड़ना चाहते हैं
तो यहाँ भी आप छोड़ सकते हैं। कम से कम आधा दिन आपका लग जाएगा इसे अच्छे से सेट होने में। तो मैंने इसे फ्रिज में रखा था, आप देख सकते हैं इसने ऑलरेडी साइड्स छोड़ दी हैं। अगर इस तरह से आपके सोप ने साइड्स नहीं छोड़ा है तो आप इसे चाकू की मदद से साइड छुड़ा सकते हैं और उल्टा करके इसे एक दो बार टैप कीजिए, आपका सोप बिल्कुल रेडी हो गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं छोटे छोटे दानों के निशान हैं। ये मेरा जो बेसन था उसमें थोड़ी गुठलियाँ थी, मैंने उसे छानना भूल गई थी, इसलिए इस तरह के छोटे छोटे डॉट्स आए हैं। तो जब भी आप बेसन यूज़ करें तो उसे छान कर ही यूज़ करें, तो वो इस तरह के दाग वगैरह नहीं आएंगे। तो सोप हमारा रेडी है, आप इसे ज़रूर यूज़ कीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।